हेलो दोस्तों, 2019 आने वाला है, 2018 जाने वाला है, तो आप में से बहुत सारे लोग नए स्मार्टफोन की तलाश में होंगे। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं इस वीडियो में आपसे इन्हीं के बारे में बात करूंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट रेंज में। तो बजट रेंज में मतलब 6000 से कम प्राइस में, तो इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है आसूस का जेनफोन लाइट वन। मतलब 5500 का फ़ोन है, कमाल फ़ोन है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3000 mAh की बैटरी और 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब बात करें थोड़े ऊपर लेवल की, मतलब 7500 तक की, तो सिर्फ एक ही फ़ोन आता है दिमाग में, Realme C1। 7500 रुपये में कमाल फ़ोन है, सिर्फ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर की कमी है, उसके अलावा सब चीज शानदार है। 4230 mAh की बैटरी, 450 प्रोसेसर और एक नॉच डिस्प्ले, वो भी 7500 रुपये में। लेकिन अगर आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए और आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए और आप परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आसूस जेनफोन M1 काफ़ी कमाल फ़ोन है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिल जाता है, 3 GB और 32 GB की मेमोरी मिल जाती है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। अब अगर 9000 से 10000 में जाएं तो तीन फ़ोन आते हैं, एक है रियलमी 2, नोकिया 5.1 और आसूस का जेनफोन मैक्स M2। इन तीनों में जो मेरा फेवरेट फ़ोन है वो है नोकिया 5.1 प्लस। काफ़ी कमाल फ़ोन है, हीलियो P60 प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल रियर कैमराज, नॉच डिस्प्ले और डुअल ग्लास बॉडी के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 9999 रुपये में, जो कि अपने आप में काफ़ी कमाल बात है। लेकिन अगर आपको नोकिया से अच्छे कैमरे चाहिए और आप बिल्ड में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप आसूस जेनफोन मैक्स M2 के साथ जा सकते हो। मैं रियलमी 2 को सजेस्ट नहीं करूंगा कि फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है और अभी लेने का कोई सेंस भी नहीं है और इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। अब बजट को 1000 रुपये और बढ़ा देते हैं, अब आते हैं 11000 में। 11000 के बजट में सिर्फ एक ही फ़ोन दिमाग में आता है, वो है Realme U1। काफ़ी कमाल फ़ोन है, DAT ड्रॉप नॉच मिल जाती है, 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, हीलियो P70 प्रोसेसर मिल जाता है, 3 GB रैम, 32 GB की मेमोरी मिल जाती है और सबसे कमाल बात, जो आपको ओप्पो R17 प्रो में जो सेल्फी कैमरा मिलता है 25 मेगापिक्सल का वो कैमरा आपको 11000 मिल जाता है, जो कि 45000 के फ़ोन का कैमरा आपको सिर्फ 11000 के फ़ोन में मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप ये मान के चलो कि इस फ़ोन का कैमरा, सेल्फी कैमरा 25000 के अंदर सबसे बेस्ट है और ये फ़ोन आपको सिर्फ 11000 में मिल रहा है। अब बजट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं 13000 तक में, तो 13000 में एक ही फ़ोन सबसे बेस्ट है, वो है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2। कमाल दमाल दम्मा जानदार फ़ोन है, 5000 mAh की बैटरी, 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और 5000 mAh की बैटरी विथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। इवन 17000 के अंदर अगर आपको कोई फ़ोन लेना है, आँख बंद करके इस फ़ोन की तरफ चले जाए, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात गोरिल्ला ग्लास 6, जो आपको वन प्लस सिक्सटी में देखने को मिलता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 13000 में देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन के अंदर कोई कमी नहीं है, कैमरा शानदार, बैटरी शानदार, परफॉर्मेंस शानदार, एक्सपीरियंस शानदार, ग्लास शानदार, सब चीज़ शानदार ही शानदार है। लेकिन अगर आपको आसूस पसंद नहीं है और अगर आप दूसरे ब्रांड की तरफ जाना चाहें, जैसे कि रियलमी की तरफ, तो रियलमी का 2 प्रो है, जिसको मैं आसूस के ऊपर रिकमेंड नहीं करूँगा, और आप रेडमी नोट 6 प्रो के साथ भी जा सकते हैं। पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, वो फ़ोन बिल्कुल भी मत लेना, MI के नाम के पीछे बिल्कुल मत जाना, प्रोसेसर आउटडेटेड है, कैमरा भी इतने खास नहीं है, अच्छे हैं इस रेंज के अंदर शायद बहुत अच्छे कैमराज है, लेकिन वही फ़ोन आपको चिपका दिया जो कि नोट 5 प्रो था, सिर्फ एक नॉच आगे दे दी, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो नोट 6 प्रो को अवॉइड करो, बेस्ट फ़ोन है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2। अब बात करते हैं 17000 के टैग पर। वैसे ये फ़ोन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन इस फ़ोन के कैमराज है वो बहुत ज़्यादा कमाल है, ये है MI 8 II। बहुत कमाल फ़ोन है, स्टॉक एंड्रॉयड के साथ मिलता है, एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ आपको क्यू तक अपडेट बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, फुल फ्लैश क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है और जो कैमराज है भाई कमाल कैमराज है, 12+20 मेगापिक्सल कैमरा, एपर्चर है f1.1/1.7 का, वो भी दोनों कैमरा में, और इस कैमरा का कंपैरिजन आप 1+60 के रियर कैमराज के साथ कर सकते हो, इतने ज़्यादा अच्छे कैमराज है इस फ़ोन के। लेकिन जो कमी की बात करें
तो डिज़ाइन बहुत आउटडेटेड है, मतलब 18x9 पैनल मिलता है आपको और पीछे वही मेटेलिक फिनिश जो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। और दूसरी कौन की बात करें, बैटरी लाइफ 3000 mAh की बैटरी लाइफ बहुत बेकार बैटरी लाइफ है। और इसमें हेडफोन जैक नहीं मिलता, मतलब आप अपने ईयरफोन नहीं डाल सकते इसके अंदर। और इसमें मेमोरी कार्ड का भी कोई स्लॉट नहीं है। अगर इन कमियों को आप अवॉइड करो और आपको एक हार्ड कोर कैमरा बीस्ट चाहिए तो MI A2 से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको इस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो मेरी रिकमेंड है कि आप पैसे बचाओ, आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 की तरफ जाओ। बेस्ट फ़ोन है, कोई लड़े नहीं किसी अन्य फ़ोन के साथ। बेस्ट बैटरी लाइफ, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, बेस्ट कैमरा तो नहीं कह सकते लेकिन एवरेज से कैमरे आपका दिन निकाल देंगे। अब बात जाते हैं 20,000 से ऊपर। तो 20,000 से ऊपर और सबसे पहला नाम आता है 21,000 का, वो है apko F1। कोई कंपटीशन नहीं इस फ़ोन के साथ में। 21,000 का ये फ़ोन है और भाई जो ये चीज़ें दे रहा है ना, वो आपको 45,000 से 50,000 के अंदर देने वाली चीज़ें हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, वो भी 21,000 के अंदर। अगर आपको नहीं पता क्या होता तो इसके लिए एक नया वीडियो आने वाला है। IR फेस अनलॉक, मतलब आपके जो फेस है उस पर IR प्रोजेक्टर डालेगा। ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लगती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 में दे रहा है। इस सेगमेंट में 21,000 से 30,000 के बीच कोई फ़ोन मत लो, सिर्फ और सिर्फ यही फ़ोन बेस्ट है। अगर कमी की बात करें, सिर्फ एक कमी है इसके, प्लास्टिक बैग। फ़ोन खिलौना सा लगता है, प्लास्टिक का बना हुआ है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। अदरवाइज जो फ़ोन है ना साहब, बहुत ज़्यादा कमाल है। कैमराज भी इतने अच्छे नहीं है और जो बैक है वो भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपको थोड़ी तो कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगी, क्योंकि आप सिर्फ 21,000 ही दे रहे हो, वो भी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के लिए। अगर आप अपना बजट बढ़ा दो और आपको परफॉर्मेंस थोड़ा नेक ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए प्रीमियम बिल्ट, डुअल OIS, थोड़े से बेटर कैमराज और बहुत अच्छा ब्रांड, तो नोकिया 8.1 प्लस कमाल फ़ोन है। डुअल ग्लास बॉडी, नॉच डिस्प्ले, कमाल कैमरा OIS के साथ और EIS के साथ, जो बहुत अच्छे कैमराज है। एपर्चर f/1.8 के हैं, जो भी बहुत बड़ी चीज़ है। प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 मिल जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ये फ़ोन आपको मिलता है 25,000 के अंदर। मतलब अगर मैं आपको बात कहूँ तो ये 25,000 के अंदर नो ब्रेनर है। नोकिया की ब्रांडिंग, जो चीज़ें आपको दे रहा है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। फिर भी मैं प्रीफर करूँगा poco F1 को, क्योंकि वो इससे भी अच्छा परफॉर्मर है। लेकिन परफॉर्मेंस सभी के लिए नहीं होती है, मतलब कुछ ऐसे यूजर होते हैं जिनको फ़ोन में चाहिए प्रीमियमनेस, ब्रांड, उनके लिए नोकिया 8.1 प्लस बेस्ट डील है, बेस्ट। और हम आगे जाएं 30,000 के बजट के अंदर, तो आसूस जेनफोन 5G बिल्कुल शानदार धानदार फ़ोन है। 845 प्रोसेसर, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, डुअल ग्लास डिज़ाइन और नॉच डिस्प्ले और बहुत ही शानदार लो लाइट कैमराज के साथ आने वाला फ़ोन है, सिर्फ 30,000 के अंदर। और इससे भी आपको अच्छी डील बताऊं तो वो है LG G7 ThinQ। अभी के लिए शायद आपको 32,000 का मिल जाएगा, लेकिन सेल में आपको ये 30 से 29,000 का मिल जाएगा। भाई ये फ़ोन है ना, बहुत ज़्यादा शानदार है। एक तो LG की ब्रांडिंग, ऊपर जो उसके कैमराज बहुत ज़्यादा शानदार, और तीसरा जो इसके कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फुल फ्लैश मैनुअल मोड है, बहुत ही शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग है और हाईफाई ऑडियो डेक का सपोर्ट है। मतलब अगर आप ईयरफोन से गाना सुनेंगे इस फ़ोन से, या वीडियो मतलब ऑडियो सुनेंगे इसके स्पीकर से, तो इतना कमाल ऑडियो आउटपुट देता है, इतना ज़्यादा कमाल आउटपुट देता है। और इसके जो माइक्रोफोन है वो इतने शानदार है कि अगर आपका फ़ोन कहीं दूर भी है तो भी वो हेलो गूगल या ओके गूगल सुन लेगा। 32,000 में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा शानदार है। अब बात करते हैं अगर आपका बजट और ज़्यादा है 37,000 तक या 38,000 तक, तो सभी के दिलों पर राज करने वाला फ़ोन आ गया है OnePlus 6T। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल ग्लास डिस्प्ले, शानदार कैमराज, शानदार हार्डकोर परफॉर्मेंस और माय फेवरेट ऑक्सीजन OS प्लस डैश चार्जर। भाई बहुत शानदार फ़ोन है। प्राइस मेरे को ओवर प्राइस लगा है, लेकिन जो चीज़ें दे रहा है OnePlus वो भी आपको कोई नहीं दे रहा है। लाइक डैश चार्जर कोई नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन OS कोई नहीं दे रहा है, और भी बहुत कुछ। और इसमें आपको IPKO सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन OnePlus कहता है ये फ़ोन स्पैश प्रूफ भी है। अगर आप बजट 45 तक जा सकते हो तो OnePlus का मैक्सिमम वेरिएंट ले सकते हो, 256GB वाला 8GB रैम के साथ। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा वीवो का नेक्स, कमाल फ़ोन है। आगे की तरफ पूरी स्क्रीन, कैमरा पॉपअप होकर निकलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर आप इसकी कमी एक ही कलर OS मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ओप्पो वीवो की UI है। वैसे UI को आप हटा दो
बहुत ज़्यादा कमाल फ़ोन है, ये एकदम इनोवेटिव फ़ोन है। अब बात करते हैं 50,000 के ऊपर के अंदर, तो भाई मेरा तो एक एक मानना है, अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर है तो सैमसंग के एस सीरीज़ के अलावा कोई फ़ोन नहीं लेना चाहिए। 57,000 का आता है सैमसंग गैलेक्सी S9, मैं उसको अवॉइड करने की बात कहूँगा क्योंकि सिंगल कैमरा है, अच्छा फ़ोन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। आप जाओ 61,000 पर, उसमें आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, काफ़ी कमाल फ़ोन है, डुअल वेरिएबल अपर्चर है, कैमरा बहुत ज़्यादा शानदार है, सैमसंग की वन यूआई का सपोर्ट मिल जाएगा आपको, कर्व डिस्प्ले, इन्फिनिटी OLED एमोलेड डिस्प्ले, इस टाइम की बेस्ट डिस्प्ले। और अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा लो तो मेरा फेवरेट फ़ोन इस टाइम का इंडस्ट्री का सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 मिल जाता है, एस पेन, एमोलेड डिस्प्ले, फुल इन्फिनिटी डिस्प्ले, 4000mAh बैटरी, वाटर कूलिंग सिस्टम, एक्जीनोस प्रोसेसर और बहुत ज़्यादा कमाल फोन कैमराज। और सबसे बड़ी बात जो प्राइस है ना इसकी, वो सिर्फ 67,000 है। मैं 67 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो अमेरिकन प्राइस है ना वो 70,000 रुपये है, तो इंडिया में सैमसंग ने 3,000 रुपये सस्ते में ये फ़ोन लॉन्च किया है, जो कि सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप अपना बजट और बढ़ा सकते हो और अगर आपको बेस्ट कैमरा फ़ोन ही चाहिए तो आप ले सकते हो गूगल पिक्सल 3 या पिक्सल 3 XL, जो कि 83,000 के अराउंड शुरू होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस फ़ोन है। मैं इसकी जगह आपको सजेस्ट करूँगा गूगल पिक्सल 2 XL, प्रोसेसर थोड़ा सा आउटडेटेड है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, मैं आउटडेटेड तो नहीं कह सकता, 2 साल पुराना प्रोसेसर है, लेकिन परफॉर्मेंस तो आपको उसमें भी काफ़ी कमाल मिलेगी, लेकिन जो कैमराज है ना वो भी बहुत कमाल है, लेकिन उसकी प्राइस है सिर्फ 40,000 रुपये। आप प्रोसेसर के लिए आपको डबल देने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, तो बाकी देख लो, कैमरा उसका बेस्ट है। और अगर आप आईफोन के फ़ैन हो तो आईफोन 10R भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा 76,000 में, मत लेना, बिल्कुल बेकार फ़ोन है। और आप बजट और बढ़ा सकते हो तो आपको मिल जाता है आईफोन 10S Max, आईफोन 10S और भी बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, 70,000 में एक और फ़ोन आता है, वह Mate 20 Pro और Asus का ROG फ़ोन। Mate 20 Pro चाइनीज़ ब्रांड है, नया नया है, बहुत कमाल फ़ोन है, लेकिन ओवर प्राइस्ड है, आप 70,000 में ये लो, इससे अच्छा आप वेट करो, सैमसंग का नोट 10 आने दो या S10 आने दो, वो ले लेना। और अगर आप डाई हार्ड गेमिंग फैन, आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, आपको सिर्फ गेम ही खेलना है फ़ोन के अंदर, तो Asus का ROG फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो ये थे मेरे कुछ स्मार्टफोन पिक्स और स्मार्टफोन सजेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बस इस वीडियो में, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।